ईसापुरम मामेपुर रोड पर एनएसबी एकेडमी स्कूल नर्सरी से कक्षा 10 तक स्कूल के संचालक श्री वीरपाल जी बिना किसी परमिशन व रजिस्ट्रेशन के स्कूल चला रहे हैं। मीडिया की टीम के पूछने पर वीरपाल जी ने बताया, नाम वीरपाल सिंह बताइए, ये स्कूल का नाम एनएसबी है, एनएसबी कब से चला रहे हैं आप? लगभग 3 साल, सर क्लास कौन सी? नर्सरी, नर्सरी टू फिफ्थ है, बताइए। हाँ, एट तक ही अप्लाई कराया है, बताओ। एट तक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, एट तक चल रहा है। तो सर इसकी मान्यता पत्र आप कहाँ की है? कहाँ की होती है? यूपी बोर्ड से होती है। नहीं, मेरा मतलब है फिफ्थ क्लास की या एट क्लास की मान्यता पत्र? एट क्लास की। सर बच्चे कितने हैं सर स्कूल में? 160 टोटली। और टीचर्स? टीचर्स वाले आप ही देख रहे हैं सर इस स्कूल को? सर इसका रजिस्ट्रेशन आपने कब कराया था? रजिस्ट्रेशन तो उससे करावा है, मेरे ख्याल से 2000 उसका होगा करीब, लगभग फाइल में देखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का वो फाइल रखिए, चलो बता देंगे फाइल में रजिस्ट्रेशन हुआ है। नहीं, जैसे कि आपने 3 साल पहले लिया है स्कूल, तो आपने रजिस्टर उससे पहले ही करा के तो पहले ही हुआ, नहीं तो स्कूल तो पहले चल रहा था ना, हमने तो रनिंग वाला चलता हुआ लिया। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में आग से बचाव के लिए कोई फायर नहीं है, न ही कोई शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। शिक्षा का स्थल बिल्कुल नीचे स्तर पर है, कोई खेल मैदान नहीं है, बिजली व पानी की सुविधा नहीं है, पूर्ण रूप से बच्चों के बैठने के लिए बेंच भी नहीं है, अध्यापकों की शिक्षा बहुत ही कम स्तर पर है। इस तरह के स्कूल मेरठ में शिक्षा अधिकारी के सामने खुलेआम चल रहे हैं, फिर भी शिक्षा विभाग मौन क्यों है?